अस्सलाम वालेकुम और सुनाओ सब ठीक। तो आज की वीडियो में बात करेंगे तुर्की के वीज़ा के रिफ्यूसल पर कि क्यों तुर्की के वीज़ा ज़्यादातर रिफ्यूज़ होते हैं, खास करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई मैंने गलती की तो मुझे सजेशन भी दे सकते हैं और उस पर इंशाल्लाह मैं अमल भी करूँगा अगर मुझे सजेशन समझ आया आपका। फर्स्टली आप सबका बहुत शुक्रिया जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो को लाइक किया, देखा और सपोर्ट किया मुझे। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं और आपके लिए अच्छी रिसर्चेस करूंगा और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। अच्छा, बात करते हैं कि तुर्की वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्बेसी का माइंडसेट क्या होता है। कोई भी जो इमिग्रेशन होता है या एम्बेसी होती है, वो अपनी एप्लीकेंट जो वीज़ा के लिए अप्लाई करता है उसको सबसे पहले क्या चेक करती है। तो आइए पहले इस पर बात करते हैं। देखें, वो चेक करता है कि वो देखते हैं कि यार जो मेरे हमारे मुल्क में आ रहा है कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी आ रहा है, एक्स वाई ज़ेड में आ रहा हूँ, अनस आ रहा है, अनस मेरे मुल्क में आ रहा है, तो क्या वो आया कि उस वो वापस जाएगा? ऐसा तो नहीं कि वो हमारे मुल्क में आके स्लिप हो जाएगा या कहीं छुप जाएगा, वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उनको हम नहीं चाहिए। वो कहते हैं आओ हमारे मुल्क में ख़र्चा करो, चीज़ें खरीदो, एक्सपेंसिस करो और फिर वापस चले जाओ, हमारे मुल्क में आके कमाओ नहीं। भाई ये इनका एक माइंडसेट होता है। तो जो भी विजिट पे जाता है तो सबसे विजिट के जब उनके पास वीज़ा की एप्लीकेशन जाती है तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि वो वापस, उसके पास क्या रीज़न है कि वो वापस जाएगा। तो अब बात ये है कि हम कैसे प्रूफ करें कि भाई हम आपके मुल्क में घूम फिर के वापस आएंगे, वो प्रूफ करना है हमें, तो हम किस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले जो है ना बात आती है बैंक स्टेटमेंट की। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट देखो बहुत बहुत अहमियत का हामिल होता है इस सारे प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा। जैसे कि कहते हैं ना पैसा बोलता है, तो ये वही सीन है, पैसा है तो सब कुछ है। तो आप जितना ज़्यादा पैसा शो करोगे बैंक स्टेटमेंट में, उतनी आपकी जो है अच्छी वर्थ होगी इनके सामने, एम्बेसी के सामने। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई पैसे वाला कोई आना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में खर्च करे। तो ऐसा है कि आप जो है सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को मजबूत करें। अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि यार हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मैं किसी से पैसे लेकर उसमें डाल दूं और फिर जब उसको चेक बना के दे दूं, जब मेरा वीज़ा लग जाए तो मैं वापस कर दूं। या देखो भाई, ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो अगले महीने जा रहे हो, अभी वीज़ा लगा रहे हो और अभी आपने अपने अकाउंट में 6 लाख रुपये या 5 लाख रुपये किसी से ले कर डाल दिए और उसको चेक बना के दे दिया। तो ऐसा नहीं होता भाई, एम्बेसी वाले बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब पता है, वो सारी चीज़ें को एनालाइज करते हैं और वो वहाँ पे बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो जो है वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे। तो आपने ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग ये हरकत करते हैं, उनका वीज़ा रिटर्न हो जाता है। आपने एक मजबूत बैंक स्टेटमेंट बनानी है, और बैंक स्टेटमेंट ये नहीं कि आपका मतलब छः महीने की, अगर आपको एक जाना है ना तो आप एक साल पहले से तैयारी करें बैंक स्टेटमेंट की। आप अपने कम से कम जो है हर महीने का क्लोजिंग एवरेज बैलेंस आपका 5-6 लाख रुपए के दरमियान होना चाहिए और उसमें ट्रांजैक्शन चलनी चाहिए, ताकि आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो भी अच्छा बेहतर हो। अब हम बात करते हैं जो एक ज़रूरी चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर लाजमी लगाएं। कहीं भी मैनेजर हैं, कोई कैशियर हैं, या कुछ भी एक्सपायर्ड ऑफिस असिस्टेंट हैं, कुछ भी हैं आप, तो आप उसको लाजमी अपने आप को शो करें वहाँ पे कि भाई जो है मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, और एम्प्लॉयमेंट लेटर उसका, और छुट्टी की दरख्वास्त है उसका लेटर, और इसके अलावा NOC, जो भी आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर सकते हैं अपने कंपनी से, या कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो उसको लाजमी शो करें, ताकि वो एक चीज़ ये साबित हो जाए कि हाँ भाई ये अपने मुल्क में काम कर रहा है और हमारे मुल्क में घूम के वापस चला जाएगा। तो इससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि ये बंदा स्लिप नहीं होगा, ये वापस जाएगा। तो आपने ये चीज़ें करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप मेरिड हैं ना तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। मेरिड हैं अगर आपने मेरिड हैं तो आप अगर फ़ौरन इसको शो करें, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ मेरिड सर्टिफिकेट तो पहले बनवाएं वीज़ा लगवाने से पहले। क्योंकि आप ने अगर आपने आपको मेरिट शो किया तो वो जो एम्बेसी वाले हैं ना वो ये देखेंगे कि भाई हाँ ये बंदा जो है ये मेरिड है और ये अपने मुल्क में अपनी वाइफ के पास वापस लाजमी जाएगा। अगर बच्चे हैं तो वो भी लाजमी आप शो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा जो है, तभी वो मेरिट सर्टिफिकेट MRC क्यों मांगते वीज़ा वाले, वो उसकी रीज़न यही होती है, वो देखते हैं कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं ना ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, क्योंकि
उनको पता है कि भाई ये बिजनेस मैन है, अपना बिजनेस करता है और उसके पास पैसा भी होगा तो यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगा, अच्छी से अच्छी होटल यूज़ करेगा। तो आप लेकिन आपने अपने अगर बिजनेस आपको छोटा सा भी है ना तो आपका प्रॉपर वर्क होना चाहिए, मतलब NTN सर्टिफिकेट और आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके अलावा जो भी आप लगा सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हों मैंडेटरी हो वो आप लगा सकते हैं इसके साथ। तो ये चीज़ें हैं आप जो जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन को मजबूत बनाएगी। अब बात करते हैं कि एक और रीज़न आ जाती है, फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट पे आप अगर तुर्की का वीज़ा लगाते हैं तो ये ना करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना फ्रेश पासपोर्ट को वो रिजेक्ट करते हैं। उसकी रीज़न मुझे कुछ एक्चुअली समझ नहीं आई, लेकिन आपको हाँ अगर बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है ना तो आपका फर्स्ट टाइम में भी रिजेक्ट नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि पैसा आपको दिखाना है उनको। पैसा नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप पहले पैसा कर लो फिर आप जो है वीज़ा के लिए कर, वरना आपकी 50,000 जो है 60,000 जो भी फीस है वो आपकी ज़ाया जाएगी। तो मेरा यही मशवरा है कि बैंक स्टेटमेंट में आप पैसा अपना मतलब बैंक स्टेटमेंट अचीव कर दो। उस टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपको मैं एक चीज़ और एक और मशवरा दूंगा कि आप कोई और कंट्री को अपने साथ रख लें, जैसे कि आप अजरबैजान तुर्की के साथ है उसको साथ ले लें मतलब ट्रेवल के लिए, या फिर दुबई को साथ ले लें, या फिर उमरे का वीज़ा ले लें। तो इससे क्या होता है कि तुर्की जो है देखता है कि हाँ भाई ये घूम के, और उस तुर्की को आप हमें उसको फर्स्ट टाइम में रखना, तुर्की को फर्स्ट टाइम में रखना और सेकंड पे जो है वो दूसरा कोई कंट्री रखना। उससे ये होगा कि उनको ये लगेगा कि हाँ भाई ये घूमने आ रहा है, पहले हमारे कंट्री उतरेगा फिर दूसरी कंट्री जाएगा, तो ये वापस ज़रूर जाएगा अपने मुल्क में। तो इससे भी ये बात इस्टेब्लिश होती है कि ये बंदा स्लिप नहीं होगा, ये घूमने ही आ रहा है। और अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है ना तो वो भी अब यही करे कि 2-3 कंट्रीज का वीज़ा ले ले, फिर उस फिर तुर्की के लिए वापस अप्लाई करे और तुर्की को फर्स्ट उस पे पोजीशन पे रखे, पहले तुर्की उतरेगा घूमेगा फिर दूसरी कंट्रीज। तो हो सकता है जो उसका फर्स्ट रिजेक्ट हुआ है तो उसका अब लग जाए, लेकिन वही बात आ जाती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, बैंक स्टेटमेंट को मजबूत रखें। पैसा दिखाओगे तो वो खुद ही आपको बुलाएंगे, पैसा होना चाहिए। आपके किरदार से उनको कोई वास्ता नहीं है, आपके उनको नहीं पता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बस आप जहाँ जॉब कर रहे हो बिजनेस शो कर दो और पैसा दिखाओ अपना। तो पॉइंट पर आते हैं कि तुर्की वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करता है। भाई रिफ्यूज़ कर की कोई एक्चुअल जो रीज़न होती है ना वो नहीं बताता तुर्की। तो जो रिसर्चेस हुई है उससे यही साबित होता है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाओ और जो है वो आप ये एस्टेब्लिश करो कि भाई हम आपके मुल्क में आएंगे घूमेंगे फिरेंगे वापस आ जाएंगे, हम नहीं रह रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं आपके मुल्क में। ये बात आपको बस एस्टेब्लिश करनी है, वो किस तरह करनी है मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया। तो यही रीज़न है और इंशाल्लाह इस चीज़ पे अमल करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका वीज़ा लग जाएगा और चांसेस बढ़ेंगे। सर मुझसे कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा है कि इंटरव्यू कॉल आती नहीं आती और कोई मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो मैं एक आपको बात क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू कॉल विजिट वीज़ा में बहुत ही कम कोई रेयर केस हो जिसमें आती हो लेकिन नहीं आती। वो आप जब अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू फॉर्म देते हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, मतलब इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस का पेपर दे देते हैं, आपने उसमें यस और नो और बताना होता है। तो वो उतना कोई मुश्किल नहीं होता, बस उसमें आप अपनी पर्सनल नॉलेज, अगर आप मुझे सजेशन में अगर इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और मुझे सजेशन में कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस इंटरव्यू फॉर्म पे बना दूंगा, और इसके अलावा कवरिंग लेटर पे भी अगर आप कहेंगे तो वो बना दूंगा। कवरिंग लेटर भी जो है वो ज़रूरी होता है, उतना ख़ास नहीं है, वो सिंपल सा होता है, वो तो बस लिखना होता है कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस एंड फ्रॉम दिस डेट एंड दिस डेट, इस तरह से कुछ होता है, तो उतना ख़ास नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो समझ आई हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाऊंगा और अच्छी रिसर्च करूंगा आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।